खबर का रुख करते हैं, भोपाल से ही मिल रही है जहां बीएमसी जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो भोपाल से हम जानकारी, खुद के आवास के बाद भी निगम के आवास में रहवास हैं कमिश्नर चौधरी करा रहे आवासों का वेरिफिकेशन। तो भोपाल से एक अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बीएमसी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, खुद के आवास के बाद निगम के आवास में रहवास कमिश्नर चौधरी करा रहे हैं आवासों का वेरिफिकेशन। तो भोपाल से खबर, बीएमसी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है, खुद के आवास के बाद भी निगम के जो आवास हैं वहां लोग रह रहे हैं और ऐसे में कमिश्नर चौधरी ने भी अब कवायद तेज कर दी है जहां आवासों का लगातार वेरिफिकेशन किया जा रहा है और ऐसे में आप पता करने की कोशिश की जा रही है कि खुद के आवास के बाद भी निगम के आवास में कौन यहां पर रह रहे हैं। तो बीएमसी जांच में एक बड़ा खुलासा, खुद के आवास के बाद भी निगम के आवास में रहवास की खबरें यहां सामने आ रही हैं। ऑनलाइन पर हमारे साथ संवाददाता दीपेश जैन जुड़ गए हैं। दीपेश, एक बड़ा खुलासा बीएमसी जांच में हुआ है, पूरा मामला आप तो समझेंगे। बिल्कुल, देखिए ऋतु, क्या हो रहा था कि नगर निगम में आवासों की बंदर बांट का खुलासा हुआ है और अब जो आवास आवंटित किए जाते हैं नगर निगम की ओर से कर्मचारियों के लिए, उसकी जांच नगर निगम के कमिश्नर करवा रहे हैं और इस जांच में खुलासा हुआ है कि 87 ऐसे कर्मचारी थे जिनके पास खुद का मकान था, इसके बावजूद वो नगर निगम से आवंटित आवासों में रह रहे थे। निगमायुक्त केवी चौधरी के निर्देश पर जब जांच हुई तो पता चला कि जो अलग अलग इलाकों में नगर निगम की ओर के आवास बने हुए हैं तो कई ऐसे कर्मचारी थे जो खुद के घर में रह रहे थे, तो या तो उन्होंने किराए पर दे रखा था या फिर दोनों घरों पर उन्होंने कब्जा जमा रखा था। ये जो सरकारी आवास होते केवल उन लोगों को दिए जाते जिनके पास खुद का या परिवार के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं होता है। लेकिन जब जांच हुई तो अलग अलग स्थानों पर ऐसे मामले सामने आए हैं और निगमायुक्त ने यहाँ पर जो है कुछ दिन पहले एक विवाद भी सामने आया था जिसमें ऐसी जांच के दौरान एक जो निगम कर्मचारी थे उन्होंने धमकाया था, जो जांच करने अफसर पहुंचे थे उनको मंत्री के नाम की धौंस भी दी थी और गाली गलौज की थी, उनको धमकी डपट दी थी। तो इसके बाद ये मामला और फूल पकड़ा था। इसके बाद निगमायुक्त ने कहा कि हम सख्ती से जांच कराएंगे, ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन ये पता चलना चाहिए वाकई कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो दो दो मकानों में रह रहे हैं और इस वजह से उन लोगों को परेशान होना पड़ता था जिनको वाकई जरूरत है मकान की, जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या जो किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं और निगम की पॉलिसी के तहत उनको ये जो आवंटित मकान नहीं मिल पाते थे। तो निगम की कोशिश यही है कि ऐसे मकानों की जांच कराई जाए, जो पात्र हितग्राही नहीं है उनको बाहर किया जाए और जो वाकई जिनको मिलना चाहिए ऐसे नगर निगम की ओर से आवंटित मकान उनको ये मकान दिए जाएं। तो देखना है कि जांच में और क्या क्या खुलासे होते हैं, फिलहाल तो ये जांच जारी है। आप बिल्कुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो एक अहम जानकारी आपको दे रहे थे जहां बीएमसी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, खुद के आवास होने के बावजूद भी निगम के आवास में कुछ लोग रह रहे थे और ऐसे में अब कमिश्नर ने भी कवायद तेज कर दी है जहां कमिश्नर चौधरी अब लगातार आवासों का वेरिफिकेशन करा रहे हैं और ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करने में जुटे हैं जो खुद के आवास होने के बावजूद भी निगम के आवास में रह रहे हैं। और अब रुक करते हैं सुरों